थाना मीरगंज के गांव सिमरिया के संजय कुमार से रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर 6 लोगों ने ठगे 8 लाख। 6 आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज। थाना मीरगंज के गांव सिमरिया निवासी संजय कुमार के साथ 6 लोगों ने रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर 8 लाख की ठगी कर ली। पीड़ित की थाने और SSP कार्यालय से मदद न होने पर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर 6 आरोपियों के विरुद्ध थाना मीरगंज पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। संजय कुमार ने बताया कि उसके पारिवारिक संबंध सूर्य प्रकाश गंगवार, उसकी पत्नी व उसके भाई व पिता से हो गए थे। सूर्य प्रकाश उसकी पत्नी सुधा गंगवार अक्सर उसके घर आते जाते थे। एक दिन सूर्य प्रकाश गंगवार उर्फ विनीत तथा सुधा गंगवार ने उसके घर आकर बताया कि तुम्हारी नौकरी रेलवे में लगवा दूंगा, तुम्हें 8 लाख रुपए खर्च करने होंगे, 5 लाख रुपए पहले देने होंगे, बाकी 3 लाख रुपए ट्रेनिंग का लेटर मिलने के बाद देने होंगे। प्रार्थी ने 5 लाख रुपए दे दिए। रुपए लेकर सूरज प्रकाश गंगवार व अन्य ने कहा कि 2-3 महीने में ट्रेनिंग का लेटर आ जाएगा। बाद में पीड़ित को एक फर्जी ट्रेनिंग लेटर दिया जिस पर रेलवे का लोगो भी मौजूद था और कहा गोरखपुर में ट्रेनिंग होगी। फिर उन लोगों के द्वारा फर्जी नियुक्ति पत्र दिया गया। संजय के घर आकर ठगों ने बकाया 3 लाख रुपए मांगे। इन ठगों ने इस प्रकार प्रार्थी से 8 लाख रुपए लेकर कूटरचित ऑफर लेटर, रेलवे का लोगो लगा हुआ फर्जी दे दिया। नियुक्ति पत्र की जानकारी रेलवे DRM ऑफिस बरेली से ली तो पता चला कि यह फर्जी है। पीड़ित ने थाने और SSP के हाथ सुनवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर थाना मीरगंज पुलिस ने आरोपी सूर्य प्रकाश गंगवार उर्फ विनीत, योगेंद्र गंगवार उर्फ छोटू, सुधा गंगवार, रमेश चंद्र गंगवार निवासीगढ़ ग्राम सुनार खेड़ा थाना कैमरी जनपद रामपुर हालमी रुद्रपुर थाना राजेंट कैंप जनपद उधम सिंह नगर अमित यादव अजय यादव के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।